वहीं सिरोंज की साल पुरकला पंचायत के डेंगवा ग्राम में बना अमृत सरोवर बांध बार बार फूट जाता है, जिससे किसानों की फसल पानी में खराब हो जाती है। और दो साल पहले भी ये डैम फूटा था, तब इसकी मरम्मत करवा दी गई थी। इस बार की बारिश में ये डैम फिर फूट गया। ग्रामीणों ने बताया कि मामले को लेकर सीईओ एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक को आवेदन दिया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ना तो डैम के घटिया निर्माण की जाँच हुई और ना हमें उजड़ी हुई फसल का मुआवजा मिला। इस साल फिर से डैम फूट गया और हम फिर से आवेदन देने आए हैं कि पटवारी से सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं मामले में एसडीएम हर्षल चौधरी ने कहा कि नियम अनुसार जो मुआवजा बनता है वो जांच करवाकर प्रभावित किसानों को दिया जाएगा। के माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है सालपुर कलवा का मामला, इसके बारे में पंचायत से हम और जानकारी लेते हैं। और जो भी नियमानुसार प्रावधानों के तहत आरबीसी के प्रावधानों के तहत जो मुआवजे का अगर पात्रता होती है तो उसमें निश्चित रूप से या तो उसमें दिलवाया जाएगा, पंचायत से अगर उसमें कोई पात्रता बनती है तो उसमें दिलवाया जाएगा। हम उसको पुनः चेक करवा देते हैं, यदि उसका मुआवजा रुका है तो किसी न किसी बाधा के कारण ही रुका होगा, या तो प्रावधानों में ऐसा नहीं होगा कि ये उसको मुआवजा की पात्रता हो, इसको बिल्कुल दिखा दिया जाएगा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा और मैं ग्राम पंचायत सर्वकला से आया हूँ और मेरे साथ में साथी गाड़े हैं पीछे आ रहे हैं, जितनी समस्त ग्राम पंचायत के लोग मेरे साथ आए हुए हैं। अमृत सरोवर डैम फूटने के कारण और अधिक वर्षा होने के कारण फसल में भारी नुकसान हुआ, इसलिए शासन प्रशासन से हम विनम्र अपील करते हैं कि उस क्षेत्र का उचित सर्वे कर मतलब मुआवजा राशि प्रदान की जाए, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार आने चाहिए। ग्राम डेंगरा से आए हैं, ये अमृत सरोवर डैम बनाया गया था, सीओ मैडम किला ने आवेदन दे दिया है, एसडीएम साहब के लिए दे दिया है, तहसीलदार साहब के लिए दे दिया है और ज़िले में कलेक्टर साहब के लिए दे दिया है, लेकिन हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई मुआवजा दिया जा रहा है, ना कोई इसको जांच करने जा रहा, उसको ना निर्माण किया और उसमें गलत सवाल बोल देते हैं अधिकार भी।